अब हर बात का इल्जाम इन्हीं पर क्यों लगाते? मिस्टर खान प्लीज आप प्लीज जाइए यहाँ से। हर सवाल का जवाब नहीं होता हसीना। जवाब तो होता है, ये कहिए आप देना नहीं चाहते। ये जरूरी है कि तुम्हें हर वजह बताई जाए? मिस्टर खान, कल मैंने आपसे जाने के लिए कहा और आप नाराज होकर चले गए। उसके बाद मैं कितना बुरा फील कर रही थी ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। एक्चुअली राजीव के वहां आने से मैं काफी ज्यादा परेशान थी। वजह क्या थी बहस की? वही, श्रेया को लेकर। वो श्रेया से मिलने की जिद कर रहे थे और आप तो जानते ही हैं कि श्रेया को पंचकिनी से यहाँ पे शिफ्ट करवाने की वजह सिर्फ यही थी कि राजीव उससे ना मिल सके। I know, आप काफी कंसर्न और फिक्रमंद होकर मेरे घर पर आए थे, लेकिन मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मैं क्या सोच रही थी, क्या बोल रही थी, मुझे इसका कुछ अंदाजा नहीं था। जी मैं समझ सकता हूँ। आप प्लीज इतने फॉर्मल लहजे में मुझसे बात ना करें। मैं जानती हूँ कि मैंने हसीना और मुजफ्फर का दिल भी दुखाया है और उन्हें सॉरी कहने के लिए मैं घर पे आऊंगी। You're most welcome, ma'am. आप घर पर जरूर आइए, लेकिन सॉरी कहने के लिए नहीं। So, I guess we are friends now. मुझे लगता है कि हमारी दोस्ती अब और भी गहरी हो गई है। So, you continue with your work. I'll see you. ओए, तू गिटार बजा रहा है? देवदास क्यों बना हुआ है? लेटर शेटर लिख ले। लेटर किसको डैडी जी? अरे मम्मी जी को और किसको? मम्मी जी कहीं चली गई है क्या? अरे यार तू कितना भोंदू है यार, एक नंबर का टपर। अरे अपनी इतनी स्मार्ट मम्मी जी से कुछ भी नहीं सीखा क्या? तू घर छोड़कर भाग जाएगा तो तेरी मम्मी जी क्या करेंगी घर में? भाग के पुलिस स्टेशन जाएंगी और गुमशुदा की तलाश में तेरा फोटो छपवा देंगी और फौरन पकड़ा जाएगा। तू क्या लिखूं लेटर में? हाँ जैसा जैसा मैं बोलता जाऊं वैसा वैसा लिखता जा बेटा। ये ले। ओके डैडी। अच्छा एक सेकंड, तैयारी कर ले। करेक्ट। अभी बताइए जी क्या लिख रहे हैं? माय डियर मम्मी जी। माय डैडी जी, माय डार्लिंग मम्मी जी लिख दू? उठा के गिटार मारूंगा। डार्लिंग मैं पुकारता हूं, तू डियर मम्मी जी लिख। माय डियर मम्मी। अरे यार थोड़ा जल्दी जल्दी लिख। हाँ डैडी आगे बोलो। मुझे ये खत लिखते हुए बड़ी खुशी हो रही। नहीं रुक जा, खुशी कैसे होगी यार? हाँ मुझे ये खत लिखते हुए बड़ा गम हो रहा है, लेकिन क्या करूं क्या करूं मम्मी जी, हालात ने मजबूर कर दिया, घर छोड़कर भागना पड़ रहा है। भागना पड़ रहा है। ये सच है कि मुझे शबनम से प्यार है। डैडी जी शबनम से प्यार मुझे? अरे यार तो तेरे लिए लिख रहा हूं ना। ये सच है मम्मी जी कि मुझे शबनम से प्यार है, लेकिन यकीन जानिए मम्मी जी, मुझे इस बात का पता ही अंदाजा नहीं था कि ये खबर मिलते ही घर में मातम छा जाएगा, घर के सारे लोगों के चेहरों से उसका राग गायब हो जाएगी। मम्मी जी मुझे इस बात का भी गम है, मैं आपकी ममता आपके प्यार से महरूम हो जाऊंगा, मैं सब कुछ खो दूंगा। लेकिन मम्मी जी एक बात का विश्वास कीजिएगा, घर छोड़कर भागने के बाद मैं शबनम से शादी नहीं करूंगा।
शादी नहीं करूंगा, बल्कि आज से ही उसे भूलने की कोशिश करूंगा। डैडी जी ये सच नहीं है। अरे यो तेरा क्या करूं मैं अंडे की भुर्जी। अबे तू कंसंट्रेशन ब्रेक कर दिया, कितना इमोशनल हो रहा था। डैडी जी आपको नहीं लग रहा है लेटर ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया? यार तू आदमी है कि पजामा? यार मैं कोई बकरे पे निबंध लिखवा रहा हूँ, तेरा हाल दिल बयां कर रहा हूँ। और एक बात है, लैला मजनू की दास्तान हजारों पन्नों में लिखी गई थी, तूने दो पेज नहीं लिखा और थक गया है? नहीं डैडी नहीं थका। आप आगे बताइए क्या लिखा। मम्मी जी मैं शायद ये शहर छोड़कर ही नहीं, अल्लाह ना करे, लेकिन हो सकता है कि शायद मैं दुनिया ही छोड़कर चला जाऊं। डैडी जी दुनिया ही छोड़कर? अरे यार सिर्फ लेटर लिखवा रहा हूँ, घबरा मत। हो सकता है मैं शायद ये दुनिया ही छोड़कर चला जाऊं, क्योंकि जिस दुनिया में शबनम मुझसे बिछड़ जाए वो दुनिया मेरे किसी काम की नहीं। Now it makes sense. मम्मी जी आपका प्यारा राज दुलारा ना फरमा बरदार बेटा आदिल। डैडी जी आपका क्या बेटा आदिल? ना फरमा बरदार। ना फरमा बेटा आदिल अपने गुस्ताख दिल के हाथों मजबूर है। जरूरी नोट, इस खत को पढ़ते हुए आंसू न बहाना। अल्लाह हाफिज। अब इस लेटर को लिफाफे में डाल के सील कर दे। अब इसे लिफाफे में डाल कर सील कर दे। सील कर दे। ओए नहीं, और लिख दिया क्या तूने? अरे यार मरवाएगा तू, मरवाएगा। काट काट फटाफट काट, अच्छे से काट ताकि पढ़ा ना जाए। नहीं 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 कोई फायदा नहीं है, तेरी मम्मी जी बड़ी सयानी है, ये एक मिनट में समझ जाएंगी कि किसी ने लेटर लिखवाया है, और सारा शक जो मुझ पर जाएगा इस सारी कारस्तानी का। क्या करूं यार, क्या करूं क्या करूं। हाँ एक आइडिया, ऐसा कर तू ना ये पूरा लेटर दोबारा लिख। ये पूरा का पूरा लेटर? फिर से शादी करनी है या नहीं? हाँ करनी तो है। चल देख। ओके डैडी जी लिखता हूँ। क्या पका रही हो? आलू गोश्त का सालन और मुजफ्फर के लिए थोड़े से कबाब। सिर्फ मुजफ्फर के लिए? मेरे लिए नहीं? आपके लिए भी बना दूंगी, अभी भूख लगी आपको? आप हॉल में जाके बैठिए, मैं अभी बना कर लाती हूँ। हॉल में जाकर तो मुझे अकेले बैठना पड़ेगा ना, यहीं दे दो, तुम्हारे साथ थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। क्या बात है, काफी मूड में नजर आ रहे हैं, लगता है आज ऑफिस का दिन अच्छा गुजरा। हाँ वाकई आज बहुत अच्छा दिन गुजरा ऑफिस में। मिस प्रीति मेरा आज खुद मेरे केबिन में आई थी, और जानती हो क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? कि हमारे घर दावत में ना आने का बेहद अफसोस है, और इसीलिए श्रेया को अपने साथ लेकर वो हमारे घर आएंगी तुमसे माफी मांगने। तो मैंने कह दिया कि मैम आप हमारे घर जरूर आइए, लेकिन ये सॉरी वॉरी कहने के लिए। और बस मेरा इतना कहने की देर थी कि उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगे कि अब हमारी दोस्ती और भी गहरी हो गई। डैडी जी। हाँ जी। लेटर हो गया? ये लेटर मेरे लिए बेटा जी। नहीं डैडी जी है तो मम्मी जी के लिए। तो फिर मुझे क्यों दे रहे हैं जी? ओ यार ऐसी जगह रख जहाँ मम्मी जी को फौरन मिल जाए। तू भी ना, वैसे हैं कहाँ तेरी मम्मी जी? वो शीना के साथ ब्यूटी पार्लर गई। ब्यूटी पार्लर? ओए लकी बॉय, किस्मत तो बड़ा साथ दे रही है तेरा यार। मतलब कि कम से कम 2 घंटे वो ब्यूटी पार्लर में सबको इंगेज रखेगी। क्या डैडी जी आप भी। वैसे ये तेरा लेटर, मेरे जमाने में तो घर से भागने के पहले लेटर्स तकिए के नीचे छुपाए जाते थे, लेकिन अब जमाना बदल गया है। डैडी जी वो मम्मी की अलमारी में रख देता हूँ उनके कपड़ों के नीचे। अरे बेवकूफ, तेरी मम्मी जी को पता है कि तू लेटर लिखने वाला है, और लेटर लिख भी रहा है तो आके यहीं छुपाएगा, ताकि मम्मी जी बाहर से आएंगी और सीधे ढूंढने में लग जाएंगी। हाँ पता तो नहीं है मम्मी जी को। तो फिर छुपा क्यों रहा है? अरे कहीं ऐसी जगह छुपा जहाँ पर कि यूं ही नजर। हाँ ये ड्रेसिंग टेबल। हाँ वहां लगा दो। पता है ना तेरी मम्मी साल के 12 महीने दिन के 2400 घंटे यहीं पाए जाती हैं वो। डैडी जी आप भी ना। या तो मेकअप कर रही होती हैं या फिर अपने आप को निहार रही होती हैं। लगा दी
टेप, एक सेकेंड। डैडी जी टेप तो नहीं मिल रही है, बैंडेड है, बैंडेड लगा दूं? तो वही लगा दे। ये हो गया। अरे यार तुझे तो चिपकाना भी नहीं आता, वो ढंग से कर। अरे हाँ डैडी जी, मेरे को कभी चोट नहीं लगी ना इसलिए। ये एक नंबर का अनाड़ी है तू, जल्दी करने तो मम्मी जी आ जाएंगी। डन डैडी जी। हाँ। अब फोन किसे करने लगा।